सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इस इवेंट पे आए हो। थैंक यू सो मच। और मेरे जो 12 टीम्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग आए और इस सेरेमनी को उन्होंने शानदार बनाया। स्पेशली मेरे गेस्ट जो आए हुए शफीक शेख साहब, मारूफ अफरीदी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग आए और सेरेमनी को ज़बरदस्त किया। मैं अपने सारे टेस्ट क्रिकेटर्स, मेरे दोस्त सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ पे आए, के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इस टूर्नामेंट के हवाले से मैं शॉर्ट उसमें बोलूँगा क्योंकि आप लोगों ने बड़ा टाइम यहाँ पे गुजारा दी। इस टूर्नामेंट का मतलब यही है कि हम यंगस्टर पे तवज्जो दें क्योंकि कैपी कैम में ज़्यादा क्रिकेट मीडिया पे नहीं हो रही, टीवीस पे नहीं आ रहे हैं और क्लब क्रिकेट ज़्यादातर नहीं हो रही। हमने यही कोशिश की है कि पख्तूनख्वा सुपर लीग में क्लब के ज़्यादा लड़के खेलें और उनको प्रमोट करें आगे क्रिकेट के लिए। पख्तूनख्वा सुपर लीग का मकसद ही यही है कि जिसमें हमारे सीनियर्स भी खेलेंगे और जूनियर्स भी हैं। सीनियर के साथ अगर क्लब वाले यंगस्टर खेलेंगे तो उनको क्रिकेट की ज़्यादा समझ होगी और वो आगे अच्छा करेंगे पाकिस्तान के लिए। ज़्यादातर हमारे जो क्लब के लड़के हैं उनको आगे चांस ज़्यादा नहीं होते क्योंकि हमारे सीनियर्स होते हैं वो कजान ट्रॉफी भी खेलते हैं, लिस्ट में सेकेंड टीम जो होते हैं वो खेलते हैं, तो ज़्यादातर ये अंडर 19 अंडर 16 के लड़के रह जाते हैं। इस इवेंट का यही मकसद है कि इंशाल्लाह इसमें जो भी यंगस्टर खेलेंगे अच्छा परफॉर्म करेगा और ये लोगों के सामने क्योंकि नज़र में आ जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह यहाँ से यंगस्टर निकले और वो पाकिस्तान अंडर 19 लिस्ट है और पाकिस्तान के निकले तो इस टूर्नामेंट का मकसद पूरा हो जाएगा। और मैं अपने स्पॉन्सरशिप को सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया इस टूर्नामेंट के लिए और ये एक स्टार्ट है टूर्नामेंट का। इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट पूरे पख्तूनख्वा का है, इसमें जो हिस्सा लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि ये सारी टूर्नामेंट केपीके के लिए बनाया हुआ है पूरे पख्तूनख्वा के लिए। और ये थोड़ा सा ये मैं बताता चलूँ कि ये टूर्नामेंट हमने लॉकडाउन से पहले अनाउंस किया था लेकिन उसका मसला ये हो कि आपने देखा कि पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल हैंग हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। आज जिसमें हमारे पास अफगानिस्तान से दो टीमें थी, दुबई से टीम थी, यूके से टीम थी और अमेरिका से भी टीम थी हमारे पास, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद क्योंकि हमने एडिशन वन करना था तो हमने ये 12 टीमें बनाई अपने केपी से। और मैं कश्मीर मुस्लिम एंड का बड़ा थैंक्स करता हूँ कि वो लोग आए और इस टूर्नामेंट में सपोर्ट किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली नासिर भट्ट साहब का कि वो उसने बिल्कुल शुरू से ही कहा था कि हम खेलेंगे इस टूर्नामेंट में। और एक और टीम की मैं तारीफ करूँगा अफगान शाहीन की कि वो अभी UCR और अफगान कमिश्नरेट ने बनाई है क्योंकि वो यहाँ पे जितने भी हमारे अफगान भाई हैं, रिफ्यूजी भाई, वो बड़े अच्छे स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनको एक चांस दिया उन लोगों ने, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे और बहुत अच्छे दोस्त आए हुए हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे लिए आए यहाँ पर और ये सेरेमनी उन लोगों ने रंगीन बना दी। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, इंशाल्लाह इसके जो फॉर्मेट है हम ऑलरेडी सेरेमनी होगी और इस तरह ये 28 को इसका पहला मैच होगा और ये 16 दिन का टूर्नामेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंजॉय करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच।